नमस्कार, मैं सुनील सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1906 में किंग जॉर्ज पंचम ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला रखी थी। लॉर्ड कर्जन जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे, उन्होंने जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु होने पर इसे जनता के लिए राजशाही स्मारक के रूप में रखने का प्रश्न उठाया। युवराज और भारत की जनता ने धन उगाही की इनकी इस अपील पर उदारता दिखाई तथा लॉर्ड कर्जन ने लोगों के स्वैच्छिक अंशदान से 1,05,00,000 रुपए की राशि से इस स्मारक का निर्माण की पूरी लागत जमा की। प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जनवरी 1906 को इसकी आधारशिला रखी तथा 1921 में इसे औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। आज के दिन 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ था। 828 मीटर ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन औपचारिक रूप से 4 जनवरी 2010 को हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित इस गगनचुंबी इमारत को एड्रियन स्मिथ ने डिजाइन किया था। इमारत में 162 मंजिल के साथ 3 बेसमेंट लेवल हैं। इसे बनाने में लगभग $8 अरब खर्च हुए थे। आज के दिन 1958 में सर एडम हिलेरी दक्षिणी ध्रुव पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के रहने वाले हिलेरी और उनकी टीम ने 113 किलोमीटर की यात्रा खराब मौसम में तय की थी। वर्ष 1953 में सर एडम हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। इस अभियान दल का नेतृत्व जॉन हंट ने किया था। वर्ष 1984 से 1989 तक हिलेरी भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त रहे। आज के दिन 1809 में फ्रांस के एक छोटे से गांव कुप्रे में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। 4 जनवरी को लुई ब्रेल की याद में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीन के पढ़ने की कठिनाइयों को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। लुई ब्रेल ने 8 वर्षों की कड़ी मेहनत से ब्रेल लिपि में अपने संशोधन किए थे और आखिरकार 1819 में 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि बनाने में सफल हुए। ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण 1950 के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। आज के दिन 1994 में मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन का निधन हुआ था। पंचम दा के नाम से मशहूर आरडी बर्मन बॉलीवुड के 100 सालों में सबसे मशहूर संगीतकार थे। पंचम दा जब 9 वर्ष के थे तो इन्होंने अपनी पहली धुन बनाई। इस धुन को फिल्म फंटुस के गाने ए मेरी टोपी पलट के आ में इनके पिता ने इस्तेमाल किया था। इनके ज्यादातर गाने आशा भोसले और किशोर कुमार गाते थे। इन गानों ने आशा और किशोर को खूब ख्याति दिलाई। फिल्म शोले का महबूबा महबूबा गाना पंचम दा ने खुद गाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 4 जनवरी दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाइयों से सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला, सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल।
कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परीक्षम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा, आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कुछ व्यर्थ का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला, सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे। ऑफिस, घर, सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद, काला तथा निषेध रंग पीला गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। खान पान का ध्यान रखें, उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चे के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। भारी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती से लेटी तथा निषेध रंग काही हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी। करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती से लेटी तथा निषेध रंग हरा जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।